जो भाई भी ZXI ले रहे हैं ना, LXI ले रहे हैं, उन्हें क्या क्या मिनिमम चीज़ें करवानी ज़रूरी हैं टॉप मॉडल बनाने के लिए गाड़ी को। और गाड़ी की लुक आप देख सकते हैं, ये करते हैं हम फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में सबसे पहले हमें दिखाई देती है गाड़ी की हेडलाइट्स, जो कि LXI वाली ही हेडलाइट्स हैं। हमने हेडलाइट चेंज नहीं कराई हैं, हेडलाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वैसे तो, लेकिन हमने चेंज नहीं कराई हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर का जो हेलोजन बल्ब है उन्हें हटा के LED बल्ब इसके हमने अंदर लगाया है। और LED बल्ब का जो थ्रो है वो इतना बेहतरीन थ्रो है कि आपको दिखाएंगे हम रात के टाइम। और इसमें जो है हमने नीचे फॉग लैंप लगवाए हैं, यहाँ पे प्लास्टिक की हाउसिंग आती है उसकी जगह हमने फॉग लैंप लगवाए हैं 110 वाट के, 130 वाट की जो ऊपर है और 110 वाट की नीचे LED है। तो दोनों का मिक्सअप है ना, इतना ज़्यादा बेहतरीन थ्रो आता है बस पूछो मत, मज़ा आ जाता है। साइड में फॉग लैंप के ऊपर ये क्रोम गार्निश जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इंडिकेटर के ऊपर, ये भी आपका फॉग लाइट के साथ ही चलेगा। अगर आप फॉग लाइट ऑफ करेंगे तो ये पार्ट भी आपका ऑफ हो जाएगा। एक तरह से ये DRL का वर्क करेगा आपका। लाइटें जो कि हैं ये इनके अंदर जो हमने LED लगाई है उनके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है जिससे कि वो आपकी लाइट की हीट कंट्रोल करता है। इसका थ्रो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और इसमें बम्पर के ऊपर क्लैडिंग लगाई गई है यू शेप वाली, और नीचे जो है सिल्वर ग्रे कलर का हमने बम्पर लगवाया है। इसमें ब्लैक कलर में आता है पूरा फिनिशिंग, लेकिन हमने पूरा ये सिल्वर कलर में करवा दिया है जिससे कि गाड़ी की लुक और ज़्यादा एनहेंस हो गई है। फ्रंट लुक के बाद अगर हम आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर, साइड प्रोफाइल हम देखेंगे। साइड में हमने लगवाया है गाड़ी में ये फेंडर का लुक जो कि रेंज रोवर में आता है। रेंज रोवर में ये साइड का लुक बहुत ही ऑसम लगता है। ये ज़्यादा पैसों का नहीं आता है, ये थोड़ा 200 रुपए में लग जाता है, तो ज़्यादा अच्छी लुक देता है ये। बाकी इसमें हम एक ये मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। ये क्लैडिंग जो आती है पूरी LXI में ब्लैक आउट आती है, ZXI में आपने देखा होगा यहाँ सिल्वर कलर का माउंटेन लोगो लगा हुआ होता है इसके अंदर। तो ये मैंने लगवाई नहीं है क्योंकि वो चिपका के लगाते हैं इसलिए वो छूट जाती है बार बार। अब हम आगे आते हैं अगर गाड़ी के डोर पे, तो डोर में हमने सबसे पहले लगाए हैं रेन गार्ड जो कि हमारे मारुति के ओरिजिनल जेन्युइन OEM है पार्ट। ये वो कैसे पता चलेगा आपको, इस पर ये माउंटेन का लोगो लगा हुआ है। ये लोगो मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा तब आप देख लेना। ये जेन्युइन मारुति के रेन गार्ड हैं सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ। ये देखिए ये पूरी क्रोम यहाँ से यहाँ तक पूरे बैक तक जाती है दोनों डोर पर। नीचे अगर हम आएँ डोर पर तो हमने लगाए हैं ये डोर गार्ड, iPop कंपनी के हैं। ये भी बड़ा सस्ता आइटम है लेकिन आपके डोर को बचाने के लिए सबसे बेहतर आइटम है। तो अगर हम नीचे आए तो हमने ये इस पर लगवाई है स्किड प्लेट साइड की। ये भी आप लगवा सकते हैं, ये मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं। ये दोनों मॉडिफिकेशन हमारा कंपनी से हुआ था इसके अंदर। एक इसमें यू शेप वाली प्लेट भी आती है जो आप नीचे से यू शेप की तरह लगा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल में होता है, कोई सभी इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी क्रोम फिनिश के साथ है। ये हमारा डोर गार्ड हो गया। डोर गार्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, यहाँ भी क्लैडिंग लगेगी इसमें थोड़ी माउंटेन वाली सिल्वर कलर वाली, तो वो चिपकाने वाला पार्ट है, लगवाना चाहो लगवा सकते। अब बात आती है हमारे अलॉय व्हील की। तो अलॉय व्हील अगर आप लगाना चाहते हैं वो डायमंड फिनिश वाले जो कि टॉप मॉडल के अंदर आते हैं, वो आपको वही 30-40 हज़ार की रेंज में अच्छे मिल जाएंगे कंपनी से ही, या बाहर से लगवाना चाहे कहीं से भी लगवा सकते हैं। लेकिन जो भाई हमारे थोड़ा कम बजट वाले में अच्छा मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो इसके जो सिल्वर कलर के व्हील कैप आते हैं उन्हें उतार के इस तरह के व्हील कैप आप लगा सकते हैं। इसमें मारुति का लोगो भी लगा हुआ आता है जिसमें कि, और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये दूर से दिखने में ऐसे ही लगेंगे जैसे आपने अलॉय व्हील लगा रखे हैं इसके अंदर। हम आते हैं अपना बैक प्रोफाइल की तरफ। तो गाड़ी का बैक प्रोफाइल टॉप मॉडल और बेस मॉडल दोनों का सेम ही है, ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं है। बस इसमें वाइपर नहीं आता है, डिफोगर नहीं आता है इसके अंदर, वो टॉप मॉडल में आपको मिलेंगे। लेकिन मॉडिफिकेशन का पार्ट क्या है, ये पूरा बम्पर ब्लैक आता है नीचे तक पूरा। इसमें हमने ये क्लैडिंग लगवाई है और नीचे का बम्पर जो लगवाया है ये लाइट ग्रे कलर में हमने लगवाया है। इसमें दो कलर आते हैं, ब्राउन भी और लाइट ग्रे कलर भी। गाड़ी के बैक प्रोफाइल में बम्पर के बाद सीधा आते हैं हम कैमरे पर, जो कि हमने एक इसमें ये कैमरा लगवाया है, मूविंग कैमरा है। स्टीयरिंग के साथ साथ ये वर्क करेगा, जैसे ही आप स्टीयरिंग घुमाएंगे उसी के साथ ही आपका कैमरा भी ये घूमता है। ये हमारा तकरीबन 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें आ जाती है ओवरऑल। बाकी सेंसर्स गाड़ी के लगे हुए हैं बम्पर पे जो कि कंपनी से ही इनबिल्ड आते हैं इस गाड़ी के अंदर। छत की अगर हम बात करें तो छत पे अगर हम आए तो इस पर हमें रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं,
ये आफ्टर मार्केट का ही पार्ट है, ये भी हमने मॉडिफिकेशन में करवाया है रूफ रेल्स इसकी। ये दो तरह की आती हैं, एक इसमें जो आती है नट बोल्ट कसी हुई आती है और एक चिपकाने वाली आती है, तो ये चिपकाने वाली हमने लगवाई है जिससे कि छत में छेद ना करना पड़े। तो बोर्ड नट बोल्ट वाली आती हैं, उसमें छत के अंदर छेद करा जाता है, तो छत के अंदर छेद होने का मतलब है पानी का अंदर आना, पानी छत के थ्रू अंदर आ जाता है, तो बाकी गाड़ी के कंपोनेंट्स और वारंटी भी अवॉइड हो जाती है इसमें, इसलिए हम ये चिपकाने वाली ही प्रेफर करते हैं। सबसे बेहतर रहती है गाड़ी के इसमें चिपकाने वाली रूफ रेल लगे, तब मर्जी हटाओ, जब मर्जी लगाना हो लगाओ। अब हम आपको दिखाते हैं गाड़ी के इंटीरियर, सारा बाहर का प्रोफाइल बात होने के बाद हम आते हैं गाड़ी के इंटीरियर। गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ड्राइवर सीट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये डोर में जो है लोग बाग करवाने को ये लेदर फिनिश में भी करवा देते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे ही मिनिमिस्टिक छोड़ा है, जो ज़रूरी है सिर्फ वो मॉडिफिकेशन कराया है। ये सिल्वर कलर की पट्टी अलग से लगवाई है हमने, ये नहीं आती है इसके अंदर। और ये डोर हैंडल्स हमने इसमें चारों डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में करवाए हैं, जो कि पूरे पूरे ब्लैक आते हैं इसके अंदर एलएक्सआई के अंदर। और यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो एक तरह से पूरा का पूरा डैशबोर्ड हमने चेंज करा रखा है गाड़ी का। ये देखिए ब्लैक की जगह हमने ब्राउन फिनिश वाला जो कि ZXi के वेरिएंट में आता है वो लगवाया है, ब्लैक वो ब्राउन और सिल्वर के साथ। स्टीयरिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं करवाया। और डोर में जो काम हुआ है डोर में, और बाकी ये काम हुआ है कि यहाँ पर हमने ये एम्बियंस लाइट लगाई है, अभी हम जला के भी दिखाएंगे आपको, तब ना जलाएंगे, अच्छे से फिटिंग देख लीजिए आप एम्बियंस लाइटिंग की, बहुत ही अमेजिंग फिटिंग इस गाड़ी की होने वाली है। और इसमें हमने 6 स्पीकर का सेट लगवाया है, दो कंपोनेंट हैं और दो कोएक्सियल हैं, तो यहाँ पर आपने फिल्टर लगे हुए हैं, कंपनी जो है इसकी प्लेसमेंट देती है ऐसी ही, लेकिन जो ये प्लेसमेंट है इसके अंदर फिल्टर नहीं आते हैं, और ये स्पीकर की प्लेसमेंट है जो कंपनी से ही आती है, लेकिन इसके अंदर भी स्पीकर्स नहीं आते हैं LXi मॉडल में। तो हमने इसमें यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट यहाँ लगवाया है स्पीकर का, और एक कॉम्पोनेंट फिल्टर का हमारा यहाँ लगा हुआ है, बाकी दिखाते हैं हम अंदर। तो गाइस गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, गाड़ी का हमने कर लिया है पावर ऑन। ये देखिए आप एम्बियंस लाइटिंग का लुक देखिए, एकदम कितना बेहतरीन लुक आ रहा है एकदम से। ये हमने पूरी एम्बियंस लाइट लगवाई है, पीछे भी दोनों डोरों में है, और यहाँ भी दो डोर में है, और आगे डैशबोर्ड में भी है। ये टोटल मिला के आपको 8 पीसीज आते हैं इसके, 2, 2, 4, 2, 6 पीसीज आते हैं इसके टोटल, 8 नहीं 6 पीसीज आते हैं। तो ये ब्राउन कलर में डैशबोर्ड हमने करवाया है, सिल्वर फिनिशिंग इसके अंदर दी गई है, साथ में हमने लगवाया है इसमें 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। बहुत से लोग क्या करते हैं 10 इंचेस का लगवा लेते हैं, वो यहाँ तक बाहर तक आ जाता है पूरा इतना, लेकिन वो थोड़ा ना अलग लगता है कि मॉडिफिकेशन बाहर से करवा रखा है। 9 इंचेस का हमने मेगासोनिक का लगवाया है, 4GB 32GB वाला वेरिएंट है। और इसके अंदर जो है आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो चलता है और एप्पल कारप्ले भी चलता है बिना तार के, उसमें आपको कोई तार लगाने का कोई झंझट नहीं है। बात करें अगर हम स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्टीयरिंग हमने इसका LXi का ही छोड़ा है। अगर हम इसमें स्टीयरिंग चेंज कराना चाहें तो वो भी हो जाएगा, उसमें जो कंट्रोल्स हैं वो आ जाते हैं आपके, और जो क्रूज़ कंट्रोल्स हैं वो भी आ जाते हैं आपके, लेकिन मैंने जो है सिर्फ इसमें स्टिचिंग कराई है, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी करके दी है उन्होंने, सिल्वर फिनिश में स्टिचिंग करके दी है इसकी, बाकी और मीटर वगैरह सब कुछ इसका ऐसे का ऐसे ही है एग्जैक्टली। अगर हम आपको दिखाएं अंदर स्टीयरिंग के बाद, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर हमने एक USB सॉकेट लगवाया है, जो कि सॉकेट इसमें नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ इसका ब्लैक कलर की प्लेसमेंट आती है सिर्फ प्लास्टिक में, और कुछ नहीं आता है, तो हमने ये सॉकेट अलग से लगवाया जिससे कि आप USB पेन ड्राइव लगा के गाने वाने उन्हें बजा सकें। इसके अंदर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता है। तीसरी मॉडिफिकेशन हमने जो करवाई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे खोल भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। LXi में ये कोई आता ही नहीं है, ये वाला LXi में जो आर्मरेस्ट आता है वो पूरा नीचे तक रहता है, आप इसमें हाथ भी नहीं रख सकते, AC वेंट इसके अंदर मिल ही जाते हैं हमें पहले भी और बाद में भी। तो ये था हमारा फ्रंट का लुक, जो भी आप देख पा रहे हैं। गाड़ी के जो सीट कवर्स हैं आप देख रहे हैं, ये मारुति जेन्युइन सीट कवर्स हमने इसमें लगवाए हुए हैं, इसमें कोई भी हमने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं कराया, ये आपको मारुति से ही मिल जाते हैं, जो कि लेना लाजमी भी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको रियर सीट का लुक एक बार, तो रियर सीट पर हम चले जाते हैं, रियर में जो भी काम हमने करवा रखा है इस गाड़ी वो देख लीजिए। रियर सीट में आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हेडरेस्ट लगाने के लिए ये सीट आपको पूरी बाहर निकालनी पड़ेगी अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो, और इसके अंदर वेल्ड वगैरह होगा तब इसके अंदर हेडरेस्ट लगेंगे, वो चीज़ प्रेफर करना मेरे हिसाब से तो गलत होगा।
क्योंकि गाड़ी में चेंजेस ऐसे वेल्डिंग वेल्डिंग वगैरह करके ठीक नहीं होते। बाकी यहाँ दो स्पीकर, एक यहाँ लगा हुआ है, एक स्पीकर वहाँ। ये स्पीकर की प्लेसिंग है इसके अंदर, ये एम्बियंस लाइटिंग की प्लेसिंग है। ये आपका सिल्वर क्रोम हैंडल आ जाता है इसके अंदर, ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है तीनों। और बात करता हूँ अगर मैं गाड़ी की डिग्गी की, ये पार्सल ट्रे हमने डिग्गी के अंदर लगवाई है। पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं पूरी कवर आती है, इसके अंदर कोई पार्सल ट्रे नहीं आती है, ये अलग से हमने लगवाई है आफ्टर मार्केट। दिखा देता हूँ मैं डिग्गी के अंदर जाकर, आइए मैं ले चलता हूँ आपको डिग्गी के अंदर। और ये हमारी बूट हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें ये पार्सल ट्रे, मैं आपको बता ही रहा था, ये पार्सल ट्रे लगवाई है, मॉडिफिकेशन का पार्ट है ये भी। इसके बिना गाड़ी खाली खाली से लगती है, तो ये लगाना जरूरी है, एसेंशियल पार्ट है ये बिल्कुल। और साइड में हमने यहाँ पर एक बूट लाइट लगवाई है, जिससे कि रात में अगर आपको सामान वगैरह कुछ भी निकालना हो या रखना हो वो ईजिली आप कर सकें इस चीज़ को लेके। कैमरे की प्लेसमेंट मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये कैमरे की प्लेसमेंट है यहाँ पर, जो कि गाड़ी की डिग्गी में ही छेद करके उसके बाद ये कैमरा लगाया गया है। वैसे आप यहाँ पर पूरी बड़ी प्लेट लगवा के भी ये कैमरा लगा सकते हैं इसके अंदर। ये थी इसकी कैमरे की प्लेसमेंट। बाकी टोटल मॉडिफिकेशन की कॉस्ट जो भी है वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। गाड़ी की चाबी में एक आप छोटा सा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये कवर लगाने के बाद। ये एक शाइनी केस है। तो ये था हमारा टोटल गाड़ी का ओवरऑल मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको आज दिखाया। आपको अगर इसमें से किसी भी पार्ट की नीड हो या आप किसी भी तरह का आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स डालिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद आप भी अप करा सकते हैं अपनी गाड़ी में इस तरह का मॉडिफिकेशन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग टेक हब ऑटो।